कुछ पूछना था यार. आर यू श्योर अबाउट मी? 10th एनिवर्सरी पे पूछ रहे हो, थोड़ा लेट नहीं हो क्या? नहीं, तुम कहती रहती हो ना कि मैं थोड़ा सा अनरोमांटिक टाइप का हूँ, और ऑफिस में भी मेरे दोस्त कहते हैं कि यू नो वर्क इज माय फर्स्ट वाइफ. और मैं भी मानता हूँ कि कभी कभी मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ. ये तुम सेल्फ क्रिटिकल मूड में क्यों आज? नहीं, कुछ देना था तुमको तो मैंने सोचा पहले कंफर्म तो कर लूं कि कहीं तुम मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी. अगले 10 साल तक तो नहीं. 10 साल? ओए दीदी, शादी तुम्हारी हो रही है, टेंशन मुझे हो रहा है. क्यों? अरे वही बेकार की लाइनें सुननी पड़ेंगी. सो योर नेक्स्ट इन लाइन बॉयफ्रेंड नहीं तो हम ढूंढ देते हैं. डॉक्टर चाहिए कि इंजीनियर? ऊपर से हार शार पहनूंगी तो और टेंशन रहोगा ना. ऑफ कोर्स. हियर इज द न्यू कलेक्शन मैम. थैंक यू. वाओ दीदी, वो हेलो. तुझे तो जबरदस्ती का टेंशन अच्छा नहीं लगता ना. नौटंकी. हाउ मच इज दिस फॉर? अराउंड 3 लाख्स मैम. सुनना. हाँ. सिर्फ 3 लाख का यार? मुझे तो लगा महंगा होगा. महंगा ही हुआ ना. कैसे? शादी जो करनी पड़ी है इसके लिए. नहीं Beautiful diamonds at delightful prices. Inara by Tanishq. Shalu, आज शादी को 10 साल हो गए हैं, जहां हमारे joint decisions तुम अकेली लेती आ रही हो. इन 10 सालों में इतनी बार कहने के बाद भी फैन की स्पीड आज तक 1 से आगे नहीं बढ़ी, और तुम्हारे डाइट के चलते मुझे ये अजीब अजीब चीजें क्यों खिला रही हो? ऐसा नहीं कि झगड़ों में भी तुम्हें मेरी जरूरत है. खुद ही स्टार्ट करती हो, खुद ही हारती हो, और कन्वीनियंटली तभी तुम्हारे आंसू भी निकल आते हैं. लेकिन ये सब तो तुम जानती हो, 10 साल से सुनाते जा रहा हूं. बस डर तो ये है कि ये सब सुनते सुनते तुम भूल तो नहीं गई कि आई स्टिल लव यू. हैप्पी एनिवर्सरी. ब्यूटिफुल एक्सप्रेशंस ऑफ लव. तक हमने जितने भी नेकलेसेस लिए ना, ये सबसे अच्छा है. Really? क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं. एक बार फिर से पहन के दिखाओ. अभी तो पहन के दिखाया था ना शोरूम में. पहन लो यार. ये तो डायमंड है. हाँ तो? हमने तो गोल्ड लिया था. तुम्हें क्या लगता है? तुम कुछ कहते नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता. वो पहला हीरा देखकर तो देखो. 6 बज गए, अभी तक तैयार नहीं हुए. बहू को ई कार्ड भेज रहा हूँ, कब तक जा ही नहीं रहा. बहू को ई कार्ड क्यों? डिनर पे तो बुलाया, यही हैप्पी बर्थडे बोल देना. अरे आजकल सब ऐसे ही विश करते हैं. हमसे ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेगी. डायमंड? ये भी थोड़ी ना हमसे एक्सपेक्ट करेगी. वो पहला हीरा देखकर तो देखो. यार सोच रहा हूँ पीवी को डायमंड रिंग दूँ, पर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है?
तुझे पता है जब नंदिता को मैंने डायमंड रिंग दी थी तो क्या हुआ था? क्या यार, आधे घंटे तक तो रो रही थी वो। क्या बात कर रहा है? हाँ, मुंह से आवाज नहीं निकली उसके। और उसके बाद उसने जो हक किया ना मुझे यार, वो मैं आज तक नहीं भूला। अच्छा यार, इतना खुश मैंने उसे लाइफ में कभी देखा ही नहीं। फिर वो जो खुशी है ना, वो है तेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो पहला हीरा देखकर तो देखो। डायमंड्स? किस खुशी में? तुम भूल गई? हम आज ही के दिन तो मिले थे यार। रियली? मुझे तुमसे ही उम्मीद ना थी। हम आज मिले थे? सच? सच? अब तनिष्क डायमंड्स पे है 20% तक की छूट, बाकी सब छूट। हम पक्का आज ही मिले थे? हाँ, 100%। 20%। नाइस ना? वेरी नाइस। गुड्डी एक बात बता। किसी फ्रेंड को डिस्काउंट पे लिया गिफ्ट देना अच्छा लगेगा क्या? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्राइस में क्या रखा है? इट्स द थॉट दैट काउंट्स ना पापा। Up to 20% off on diamonds, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं। तनिष्क। किसने कहा कि शादी के बाद ये नहीं मना सकते? बताओ बताओ, कहां लिखा है कि प्यार सिर्फ कपल्स में ही होता है? प्यार तो पापा भी करते हैं। इस दिन प्यार दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। इस दिन प्यार का कोई एक रिश्ता नहीं होता। यू कैन बी योर ओन वैलेंटाइन। So who's going to be your Valentine? Come, celebrate this Valentine's Day with Tanishq, a gift